मोदी का सबसे बड़ा राज खुल गया। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस उठ गया पर्दा, सारी दुनिया को पता चल गया। मायावती के पढ़कर बोलने पर तंज कसने वालों की बोल थी बंद। क्लास अब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. मोदी ने करवा ली, जड़ घसाई और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। कैमरे के सामने गिटपिट बोलने वाले नरेंद्र मोदी के साथ एक हादसा हो गया है। हादसे में शारीरिक चोट तो नहीं आई, लेकिन उनकी इमेज पर जबरदस्त डेंट लग गया है। अब ये भेद खुल गया कि नरेंद्र मोदी रैलियों से लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन तक में जो फराटेदार भाषण देते हैं, वो सब टेलीप्रॉम्प्टर का कमाल है। लेकिन जब टेलीप्रॉम्प्टर दगा दे जाए तो शेर भी भीगी बिल्ली बन जाता है। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मोदी के साथ क्या हुआ। सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी इस बुके में है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस सामने लिखा हुआ जैसे ही बंद हुआ, पीएम मोदी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आगे क्या बोलना है, वो अपने भाषण को संभाल तक नहीं पाए। बस इतना पूछने लगे कि उनकी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन ये सवाल भी उन्होंने किसी के कहने पर पूछा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो है उसमें ये सुना जा सकता है कि आप उनसे पूछिए सब जुड़ गए हैं क्या। इंडियंस, हम भारतीयों का टैलेंट, देयर टैलेंट, जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है? Are you able to hear me, Mr. Shop? Yes, I hear you, Mr. President. As well? Are you able to hear the translation in English? I hear you very well, and I would suggest that we start the official. अब नरेंद्र मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिक्कत इस बात से नहीं कि नरेंद्र मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने से वो बोल नहीं पाए, असल में दिक्कत ये दिखाने में है कि साहब तो बिना पढ़े ही फराटेदार भाषण देते हैं। दिक्कत पढ़कर बोलने में नहीं है, बल्कि दिक्कत ये दिखाने में है कि साहब तो अवतारी पुरुष हैं, कहीं भी कभी भी एकदम जोर से बोलते हैं, ना हकलाते हैं, ना रुकते हैं, ना किसी शब्द पर वो उलझते हैं, बल्कि चेन्नई एक्सप्रेस की तरह सुपर फास्ट रफ्तार से अपनी बात रखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वही सच है, सामने सब कुछ लिखा होता है, आप रिमोट से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं साधारण आदमी हूँ, इसलिए अपना रिमोट अपने हाथ में रखता हूँ। मोदी बड़े आदमी हैं, इसलिए उनका रिमोट कोई और चलाता है, भाषण भी कोई और ही लिखता है, फिर उस लिखे हुए को टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से सामने रख देता है। एक टेलीप्रॉम्प्टर लेफ्ट में होता है और एक टेलीप्रॉम्प्टर राइट में। टेलीप्रॉम्प्टर को ऐसे लगाया जाता है कि मोदी आसानी से लेफ्ट राइट करते हुए पूरा भाषण पढ़ सकें। कैमरे भी ऐसे लगाए जाते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर दिखाई भी ना दे। फिर पीएम मोदी टीवी पर लाइव आते हैं और खूब दहाड़ दहाड़ कर बोलते हैं। देखने वालों को पता ही नहीं चलता कि असली खेल क्या है। टेलीप्रॉम्प्टर बेचारे को कोई क्रेडिट नहीं मिलता, सारा क्रेडिट अपने मोदी जी ले जाते हैं। खैर, पढ़कर बोलने में कोई समस्या भी नहीं है, पढ़कर बोलना ज्यादा आसान होता है, आपकी जबान पर लगाम रहती है, आप ऊट पटांग की कोई बात नहीं बोलते और जो कहना है वही आसानी से बोल देते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी ऐसा करती हैं, वो अक्सर अपनी रैली में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पन्ने पर लिखे भाषण को पढ़कर बोलती हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करती, वो मोदी की तरह मायावी जाल नहीं बनाती,
वो मोदी की तरह दुनिया को ये नहीं दिखाती कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बिना पढ़े बोलती हूँ, मैं कभी नहीं अकलाती, मैं बिना किसी शब्द पर रुके सीधे फराटेदार बोलती रहती हूँ। मायावती टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा नहीं लेती, वो सीधे सीधे लिखा हुआ पढ़ देती हैं, एकदम साफ सपाट बिना किसी लाग लपेट के। मायावती ये नहीं सोचती कि दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी, लेकिन मोदी ऐसा जरूर सोचते हैं और पढ़कर बोलने की कला को छुपाए रखते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते। हालांकि मायावती पहले भी ये साफ कर चुकी हैं कि वो पढ़कर इसलिए बोलती हैं क्योंकि उनके गले में गंभीर समस्या है, उनके गले का ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टरों ने उन्हें जोर से ना बोलने की सख्त सलाह दी है, लेकिन फिर भी भक्तों को मायावती का पढ़कर बोलना नजर आ जाता है। वो मायावती पर ओछे कमेंट करते हैं लेकिन अपने अवतारी पुरुष की लीला पर तालियां बजाते हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। फिर किसी नए वीडियो मिलते हैं साथियों।